हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आज डी फैंटसी ब्रॉडकास्ट। आज हम कवर करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पहला T20 मैच होने वाला है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स जो है बिग बैश खेल के आ चुके हैं और स्क्वाड में भी है, तो जिसमें DRC शॉर्ट है। और इंडिया की तरफ से न्यूज़ ये है कि विराट कोहली यहाँ पे कमबैक कर रहे हैं, मीन्स की रेस्ट उन्होंने खुद को दिया था, और जसप्रीत बुमराह भी स्क्वाड में एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की और क्या रहेगा स्क्वाड और क्या कुछ मैच के न्यूज़ है यहाँ पे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। अगर मैं बात करूँ वेन्यू की, तो ये हो रहा है DRYS राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, मीन्स कि ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। तो वेदर की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से हॉट रहने वाली, मीन्स गर्मी पड़ने वाली है यहाँ पे, तो मैच पूरा होना चाहिए। और रेन बारिश शायद से यहाँ पे हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्कोर हो सकता है कि हाई स्कोर ही बने, क्योंकि इंडिया यहाँ पे फ्री खेलती है और इंडिया के जो पिचेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा स्कोर होता है। और ऑस्ट्रेलिया के भी जो बिग बैश से प्लेयर्स खेल के आए, लाइक मार्कस टोनिस है एंड DRC शॉर्ट है, एरन फिंच है, ये इनमें से कोई प्लेयर भी चलता है, और इंडिया से रोहित है, विराट है, शिखर धवन है, तो ये सब भी कोई प्लेयर चलते हैं, तो सारे के सारे खेलने वाले हैं, मीन्स की हिटिंग बैट्समैन है। तो प्लेयर्स के बारे में बताने से पहले और कुछ मैच न्यूज़ के बारे में बताने से पहले, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि हम बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो और आप देखते रहो कि जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, लाइक अभी तो प्लेइंग 11 का झंझट खत्म हो चुका है, मीन्स कि अगर कोई प्लेइंग 11 मिस भी हो जाती है, अगर मैंने कोई आपको रिस्की प्लेयर्स भी बता दिए तो आप जाके एडिट कर सकते हो ड्रीम 11 पे। अब तो वो कोई डेडलाइन का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे अब सिर्फ लक फैक्टर नहीं है, अब यहाँ पे स्किल फैक्टर भी हो सकता है, मीन्स कि आपके प्लेयर्स तो मिस होते ही नहीं है यहाँ पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बेनिफिट ये होगा कि कुछ अगर अपडेट्स आती है तो मैं आपको वहाँ पे डाल दिया करूँगा, लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो वह तो आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ वहाँ पे कुछ कंसर्न होता है जो मुझे लगता है कुछ चेंजेस करना चाहिए आपको, तो वहाँ पे मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाना। तो जैसे आप टेलीग्राम पे आते हो तो आपको यहाँ पे सर्च करना है IHT फैंटेसी ब्रॉडकास्ट। तो ये बिल्कुल नई चैनल है हमारी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 136 मेंबर है, मीन्स कि रिसेंटली हमने यूट्यूब पे फैंटेसी के जो प्लेटफॉर्म है, मतलब कि हम वहाँ पे प्रिडिक्शंस और मैच न्यूज़ देंगे, तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि IPL आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, और बहुत सारे मैचेस है जहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, और हो सकता है कि आप एक अच्छी खासी टीम बना करके अमाउंट विन कर सको। अगर मैं बात करूँ इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो श्योर शॉट है कि यहाँ से रोहित शर्मा आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, इसके बाद शिखर धवन आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, और ये शिखर धवन मेरे काफ़ी डिफरेंशियल पार्ट का हिस्सा रहने वाला है। और इसके बाद आपको विराट कोहली, जो कि सबके कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग्स में आपको खेल दिख जाएंगे, इसके बाद ऋषभ पंत श्योर शॉट है खेलेंगे, मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक एंड KL राहुल। तो KL राहुल को यहाँ पे प्रैक्टिस करते देखा गया है, बट मेरे हिसाब से कोहली को कार्तिक को हटाना नहीं चाहिए, तो कार्तिक को यहाँ पे खिलाना बनता है उनका, क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही है, हो सकता है तो आपको टीम तो पता चल ही जाएगा। MSD यहाँ पे खेलते नजर आ जाएंगे, कुणाल पांड्या, विजय शंकर और सिद्धार्थ कौल को भी एंट्री मिली है, तो मेरे हिसाब से विजय शंकर का लास्ट परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं था, तो विजय शंकर के साथ में 55-45 का रेशियो है, मेरे हिसाब से आप विजय शंकर खेलेंगे, और प्लेइंग 11 तो आपको पता ही चल ही जाएगा, तो कोई इशू कंसर्न नहीं है। यहाँ पे उमेश यादव, यदुवेंद्र चहल एंड जसप्रीत बुमराह, ये तीनों प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इनकी परफॉर्मेंस की, तो रोहित शर्मा ने लास्ट के कुछ मैचेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर बात करूँ शिखर धवन की, तो 2-3 मैचेस में फ्लॉप थे, बट लास्ट का जो इनका न्यूजीलैंड वाला मैच था जिसमें उन्होंने 70+ स्कोर किया था, तो ये फॉर्म में नज़र आए थे। और यहाँ विराट कोहली, यार ये तो कहीं भी खेलेंगे, बंदा तो हर जगह चलता है, हो सकता है आज भी सेंचुरी मार के चला जाए। यहाँ पे कार्तिक एक फिनिशिंग रोल हो सकता है कि उनको फिनिशिंग वाला, अगर बैटिंग अगर इंडिया सेकेंड करती है तो उनको फिनिशिंग रोल दिया जाए। MSD आपको फिर से आपको विकेट कीपर में रखोगे तो आपका बेनिफिट है, क्योंकि ये बंदा ना यदुवेंद्र चहल अगर है और वो स्पिन करेगा तो 2-3 स्टंप तो आप उम्मीद कर सकते हो कि MSD आपको विकेट कीपर में पॉइंट्स दे सकते हैं। और यहाँ पे कमबैक कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, बिकॉज ये जैसा यॉर्कर मारता है तो हो सकता है कि शुरुआत के कुछ और लाफ्स के डेप्थ ओवर में ये बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आपके लिए ये कुछ प्रोबेबल 11 है। प्लेइंग 11 की कोई इशू नहीं है, आपको ड्रीम 11 पे एडिट्स मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ चेंजेस और कुछ चीज़ें हो सकती है, लाइक फास्ट बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट कर सकती है, बिकॉज नया मैच, फर्स्ट मैच है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एरन फिंच को खेलना चाहिए, DRC शॉट वन ऑफ द
जो कि स्मॉल लीग्स में ना आपको हर जगह कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको दिखेंगे ये बंदा, क्योंकि डीआरसी शॉट ने जैसा खेला है इसको अगर आप चेक करोगे कि यार इसको आईपीएल में ना पिछली बार इसको 4-5 करोड़ में लिया गया था मेरे हिसाब से, बट इस बार इसको अनसोल्ड है, मीन्स कि इसको खरीदा ही नहीं गया, बट बंदे ने जैसा बिग बैश में परफॉर्मेंस करा है तो इसको खेलना चाहिए और अच्छा खेलेगा, और T20 खेल के आया अभी बिग बैश में, तो हो सकता है इंडिया में बैटिंग पिचेस है तो ये अच्छा खेल जाए। ख्वाजा भी यहाँ पे एक इनका जो एक बैटिंग करने का तरीका वो ऐसा है कि वो लाइक हिटिंग ज़्यादा नहीं करते, मीन्स कि आरे तिरछे शॉट नहीं मारते हैं, बट अगर ये टिक गए तो ये रन स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आशुतोष अस्टन टर्नर एंड सॉरी पीटर हैंडकॉम की, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से टर्नर को खेलना चाहिए, मैक्सवेल आपको खेलते नजर आ जाएंगे, और लास्ट कुछ बिग बैशेस में इन्होंने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिया है। एलेक्स कैरी आपको विकेट कीपर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनके बॉलर्स की, मीन्स की पेसर्स की, तो यहाँ पे एक जंपा श्योर शॉट है एंड रिचर्डसन में वो खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे पैट कमिंस, नाथन कुंटर नाइल एंड एक और जो इनकी जे रिचर्डसन है, शायद उनको मौका भी दे दिया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ये प्रॉबल इलेवन खेलना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इनके ऑस्ट्रेलिया की जो क्या पिक आप ले सकते हो, मीन्स की कौन कौन से आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे डीआरसी शॉट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेंगे और मार्कल स्टोनिस, बिकॉज विराट कोहली ने क्या कहा अपने मैच से पहले, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मार्कल स्टोनिस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, उनको लगता है कि वो ज़्यादा उन पे उनके लिए प्लान्स तैयार करेंगे, तो मेरे हिसाब से मार्कल स्टोनिस ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है बिग बैश में, अच्छा करा है उन्होंने, तो मार्कल स्टोनिस एक अच्छा प्लेयर हो सकते हैं। फिंच रिस्की है भाई, क्योंकि ये बंदा खेलेगा तो 50 के ऊपर मारेगा और बॉल कम खाएगा, मीन्स कि ये टिक के खेलता नहीं है, मार के खेलता है, तो ये आपके लिए चॉइस हो सकता है। अगर आप एरन फिंच को लो और कैप्टन नहीं बनाओ तो फिर आपके लिए बेवकूफ़ी है, या तो आप इसको ड्रॉप करो या लो, बिकॉज ये बंदा रन बनाएगा तो आपको ज़्यादा चौके छक्के भी मार के देगा और इंडिया के खिलाफ इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की जो कि स्मॉल लीग्स की है, तो कोहली, रोहित एंड चहल ये सबके आपको दिख जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिंच, शॉट एंड स्टोनिस, जिसमें कि शॉट और स्टोनिस तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिस्की चॉइस की, जैसा मैं खेलता हूँ, आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे जो मैं आने वाले मैचेस में बताऊंगा, मैंने कितने सारे ग्रैंड लीग विंस करे हैं वो भी आपको प्रूफ दूंगा, बिकॉज बंदे को बिलीव नहीं होता है, तो मैं धीरे धीरे करके ही वहाँ तक आऊँगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि अपनी चीज़ें ज़्यादा शो करनी चाहिए, बिकॉज एक शो ऑफ का चक्कर भी हो जाता है। तो आप न्यूजेस वगैरह देख करके, आप मेरे से मत देखो, क्रिक बस देखो, जिसको भी फॉलो करते हो यूट्यूब पे, बट कॉपी मत करा करो, आप खुद की चॉइसेस से आप अपनी टीम बनाओ। अगर देखो रिस्क चॉइस की बात करो, तो मैं तो आज एक टीम में धवन के साथ में जाऊंगा, क्योंकि ये बंदे को अभी कोई ज़्यादा प्रेफर करेगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि लेकिन अगर इसको आप रखते हो और अगर ऊपर का बैट्समैन है जैसे कि वैंड्रॉप अगर खेलता है और उसने उसको रोहित शर्मा को अगर उसने ले लिया, इसके बाद बचा कौन? लेफ्टी है, ठीक है, और ये बंदा शुरुआत में टाइम ज़रूर लेगा बट खेल सकता है। केएल राहुल रिस्की है बट अगर खेलते हैं तो आप इस पर रिस्क ले सकते हो। मैक्सवेल, बिकॉज इसको बहुत सारे लोग अंडररेट करेंगे, एंड पंत, अगर ऊपर के बैट्समैन अगर ढह जाते हैं तो पंत एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कुछ ड्रीम इलेवन अल्टरनेट साइड्स की, जैसे कि ड्रीम इलेवन पे आप ऑलरेडी खेल रहे हो, तो आप बल्लेबाजी ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा। ISD 123 कोड से जाओगे, आपको 50 रुपये का साइनअप बोनस मिलता है, एंड रेफरल भी जब आप करोगे तो 50 रुपये आपको मिलेंगे। अप टू 80% बोनस यूजेबल है, एंड यहाँ पे कुछ फ्री लीग सैलरी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। प्लेयर सपोर्ट है, प्लेयर सपोर्ट में आप 10% आप कमा सकते हो, मीन्स के फ्रेंड्स को रेफर करके, वो भी लाइफ टाइम। यहाँ पे आपको साइनअप बोनस पे 25+75 रुपीज और मिलते हैं, जो कि आप विड्रॉ करोगे, मीन्स ऐड करोगे, और यहाँ पे एक ऑफर और चल रहा है, अगर आप फोनपे से ऐड करते हो तो आपको 100% का जो कैशबैक ऑफर है, मीन्स 250 रुपये ऐड करोगे तो 250 आपको वापस से कैशबैक मिल जाएगा। थर्ड जो फैंटेसी क्रिकेट है वो है फैंटेन, यहाँ पे आपको मिलते हैं साइनअप पे 100 रुपीज़, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड वगैरह वेरीफाई कर लेना, सारे के सारे बोनस यूजेबल हो जाएंगे। चौथा जो काफ़ी मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट, यहाँ पे हालाप्ले में क्या है कि मेरा लक अच्छा है, या यहाँ पे ग्रैंड लीग आप आसानी से विन कर सकते हो या क्या है मुझे नहीं पता, बट वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम जितना भी मैंने यहाँ पे विन किया, मेरे हिसाब से 1.5 लाख से ऊपर मैंने आखिरी के 3-4 महीने में यहाँ पे विन करा है, तो हालाप्ले मेरे लिए एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। हालाप्ले, प्लेयर सपोर्ट एंड बल्लेबाजी, आपकी इच्छा है कि आप कहीं भी खेल सकते हो। माई टीम इलेवन भी वन ऑफ द टॉप अल्टरनेट, ड्रीम इलेवन के बाद सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर खेलते हैं, और वहाँ पे दो ऑप्शन अच्छे हैं कि आप रेगुलर प्ले और सेफ प्ले दोनों खेल सकते हैं। मीन्स की ड्रीम इलेवन पे जब से उसने डेडलाइन ख़त्म कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि लोग ना रिस्क नहीं, मतलब रिस्क खत्म हो गया एक तरीके से, बट अगर आप चाहते हो कि रिस्क मैं लूँ,
मतलब आपको पता है कि प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो आप क्या करो माई टीम 11 पे जाके खेलो रेगुलर प्ले में, और आपको अगर लगता है कि नहीं यार मुझे सेफ जाना चाहिए तो आप माई टीम 11 पे खेलो। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगी हमारे ड्रीम 11 की टीम, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और ये आप ट्राई करना है स्मॉल लीग में, बट नॉट फॉर ग्रैंड लीग्स। मैं आपको चॉइस बता दिया हूँ, अगर प्लेइंग 11 आई जाएगी पहला मैच है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम रखना और अल्टरनेट साइड्स पे खेलना, टॉस के बाद टीम एडिट कर लेना और स्मॉल लीग जरूर खेलना। चलिए मैं बनाता हूँ आपके लिए ड्रीम 11 टीम। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, मीन्स कि आपके फ्री एंट्रीज़ वगैरह भी मिल रहे हैं, तो आप क्या करो फ्री एंट्रीज जितने भी आपको मिल रहे हैं जा करके आप फ्री फ्री में खेलो, वो भी ड्रीम 11 पे। क्योंकि देखो आप जब नोटिफिकेशन पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे फ्री एंट्री मुझे भी मिला हुआ है, तो आप जा करके देखो ये एक और फ्री एंट्री मिला हुआ है, आप भी जाके चेक करो कि आपको फ्री एंट्री यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टीम क्रिएट करता हूँ आपके लिए। आपके लिए विकेट कीपर में दो चॉइसेस है, MSD एंड एलेक्स कैरी। तो मैं यहाँ पे MSD के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये बंदा यार विकेट कीपिंग में मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट देगा। एलेक्स कैरी का मुझे नहीं पता है कि बैटिंग डाउन कितना नंबर पर आएगा, अगर DRC शॉट ओपन करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि बंदा नीचे आएगा। बैटिंग सेक्शन में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, विराट कोहली रोहित शर्मा इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर आप फिंच के साथ जाओगे तो आपको फिर धवन यहाँ से मिस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे आप धवन के साथ जाते हो तो फिंच मिस करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे धवन के साथ जा रहा हूँ, DRC शॉट को मैं यहाँ पे मिस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चार कुछ बैट्समैन रह गए मेरे लिए, आप चाहो तो उस्मान ख्वाजा के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ और बैटिंग में कुछ ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे KL राहुल रिस्की है, ऋषभ पंत आपके लिए खेलते नजर आ जाएंगे, पीटर हैंडकॉम मेरे हिसाब से थोड़े रिस्की है, बट टर्नर का मुझे लगता है कि इनको मौका देना चाहिए, तो टर्नर आपके लिए चॉइसेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडर सेक्शन की, तो दो बिल्कुल सेफ चॉइस, मार्कल स्टोनिस पक्का पक्का आपको लेना ही लेना है, ठीक है। इसके बाद हार्दिक पांडे यहाँ पे खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इंजरी कंसर्न है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कुणाल पांडे के साथ। आप चाहो तो यहाँ पे एक उस्मान ख्वाजा को ड्रॉप करके आप यहाँ पे चाहो तो मैक्सवेल एंड विजय शंकर में किसी के साथ भी जा सकते हो, तो ये आपके ऊपर रहेगा। मैं यहाँ पे उस्मान ख्वाजा को ले रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप बुमराह का जो कमबैक है, तो आपको इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, यादवेंद्र चहल को आप मिस नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे फास्ट बॉलर्स में कुछ चीज़ें रिस्की है, काउंटर नाइल है, रिचर्डसन है, और पैट कमिंस अगर खेलते हैं तो पैट कमिंस, यहाँ पे मैं जाऊँगा कुंटन नाल के साथ में। और यहाँ पे जंपा आपके लिए सेफ चॉइस है अगर, लेकिन मुझे लगता है इंडिया स्पिनर को अच्छा खेल लेती है, तो आपको यहाँ पे जो चॉइसेस है वो आपको सेलेक्ट करना है, कुंटन नाल एंड वैंड्रॉफ या जो भी यहाँ से खेलेगा, रिचर्डसन या पैट कमिंस। मेरे हिसाब से रिचर्डसन, कुंटन नाल एंड पैट कमिंस को खेलना चाहिए, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ नाथन कुंटन नाइल को, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप जाकर के बाद में टीम एडिट कर सकते हो। अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ आपके लिए सेफ चीज़ें तो मैंने बताई दी थी, DRC शॉट है, रोहित है, विराट कोहली है, तो सबसे जो स्मॉल लीग के लिए टीम है वहाँ पे है विराट कोहली एंड इसके बाद मार्कल स्टोनिस, ये आपके लिए टीम प्योर सेफ है, वो भी स्मॉल लीग के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप ट्राई करो स्मॉल लीग में। कैप्टन वाइस कैप्टन आप सेम मत रखना, अपने हिसाब से लगाना, आपको आप तो टीम भी मिल जाती है, ठीक है, आपको प्लेयर्स मिस नहीं होते। तो फ्रेंड्स वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।